हिमालय के ऊंचे शिखर, नदियाँ, झरने, सर्पाकार सड़कें, घने चीड़ और देवदार के जंगल, फूलों की घाटी, मन लुभावन झीलों के किनारे और हर पहाड़ पर पवित्र मंदिर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जो भारत के उत्तर में स्थित पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की रानी कहे जाने वाले पर्यटन स्थल रानीखेत में स्थित है। यह मंदिर झूला देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के पर्यटन स्थल रानीखेत में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर झूला देवी मंदिर के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही बने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहेगी। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीके तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल सीके टेक में। झूला देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के पहाड़ी पर्यटन स्थल रानीखेत से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक लोकप्रिय पवित्र एवं धार्मिक मंदिर है। यह मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। इस मंदिर को झूला देवी के रूप में नामित किया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मंदिर 700 वर्ष पुराना है। प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटन स्थल रानीखेत में स्थित झूला देवी मंदिर यहाँ के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा जिले के चौबटिया गार्डन के निकट रानीखेत से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान मंदिर परिसर 1935 में बनाया गया है। झूला देवी मंदिर के समीप भगवान राम को समर्पित एक मंदिर भी है। इस मंदिर को झूला देवी मंदिर या घंटियों वाले मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण क्षेत्र में रहने वाले जंगली जानवरों द्वारा उत्पीड़न से मुक्त कराने के लिए तथा माँ दुर्गा की कृपा बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था। मंदिर परिसर में झूला स्थापित होने के कारण देवी को झूला देवी के नाम से भी पूजा जाता है। माँ के झूला झूलने के बारे में एक कथा प्रचलित है। माना जाता है कि एक बार श्रावण मास में माता ने किसी व्यक्ति के स्वप्न में दर्शन देकर यहाँ झूला झूलने की इच्छा जताई। ग्रामीणों ने माँ के लिए झूला तैयार कर उसमें प्रतिमा स्थापित कर दी। उसी दिन से यहाँ देवी माँ झूला देवी के नाम से पूजी जाने लगी। कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 700 वर्ष पुराना है। उस समय चौबटिया क्षेत्र जंगली जानवरों से भरा हुआ घना जंगल था। तेंदुओं और बाघ आसपास के लोगों पर हमला करते थे। लोगों को तेंदुओं और बाघों से डर लगा रहता था और खतरनाक जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए आसपास के लोग माता दुर्गा से प्रार्थना करते थे। ऐसा कहा जाता है कि देवी ने एक बार एक चरवाहे को सपने में दर्शन दिए और चरवाहे से कहा कि वह एक विशेष स्थान को खोदे। जैसे ही चरवाहे ने उस विशेष स्थान को खोदा तो उसे खोदने पर वहां एक मूर्ति मिली। इसके बाद ग्रामीणों ने इस जगह पर एक मंदिर का निर्माण किया और इस मूर्ति को वहां स्थापित कर दिया। इस मंदिर के निर्माण के बाद जंगली जानवरों का आतंक कम हो गया और उस दिन के बाद चरवाहे अपने जानवरों को घास चलने के लिए छोड़ने लगे। मंदिर परिसर के चारों ओर लटकी हुई अनगिनत घंटियां माँ झूला देवी के दिव्य और दुख नाशक शक्तियों को दर्शाती है। मंदिर में विराजित झूला देवी के बारे में यह माना जाता है कि झूला देवी अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती है और इच्छाओं के पूरा होने पर भक्त यहाँ तांबे की घंटियां भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं। घंटियों की मधुर ध्वनि से हर किसी का मन आनंदित हो उठता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि मंदिर में प्रार्थना करने वाले लोगों की मनोकामनाएं झूला देवी पूर्ण करती हैं। यहाँ जाने पर आपको राम मंदिर जाने का भी मौका मिलता है जो पास ही में स्थित है। यहाँ झूला देवी मंदिर में नियमित रूप से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। मंदिरों के प्रति हिंदुओं की अत्यधिक आस्था और विश्वास है। झूला देवी मंदिर उत्तराखंड की यात्रा के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। हेलो दोस्तों, मेरे द्वारा इस वीडियो में शेयर की गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए, जिससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।